Ellingham diagram. Ellingham diagram is actually a graph between standard free energy of formation of oxide of metals versus temperature. So when we look at the diagram, these are the three plots. The first plot that is formation of carbon dioxide. So this is a plot. It is CO gas plus O2 gas to give CO2 gas. And third plot, it is carbon solid plus O2 gas to give CO gas. ये तीन प्लॉट. तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लॉट इस स्ट्रेट में क्यों जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट. सो ये जो प्लॉट है, यू नो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. सो अगर आप तीनों प्लॉट देखोगे, तीनों ये ग्राफ में देखो, O2 इज यूज्ड, इट इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन as well as combustion reaction. The combustion of carbon with oxygen, combustion of carbon with oxygen, combustion of carbon monoxide with O2. So exothermic reactions ke sare, you know, combustion reactions are exothermic. That means delta H is always negative. Agar delta H negative hai, to baat kya rahi sir? Delta S. Ye jo delta S hai, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है, ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ नीचे आएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा कि ग्राफ स्ट्रेट रहेगा. तो अगर हम चलो पहले ये बना लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन ये लेते, तो इस रिएक्शन में व्हाट इज डेल्टा एस, पहले आपको ये पता है व्हाट इज डेल्टा एस, एंट्रोपी, इट इज चेंज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस. तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड. सॉलिड की तो ऑलमोस्ट हम जीरो ही लेते हैं, है ना. अब अगर आप इधर देखोगे, इस साइड कितने गैस है, एक मोल, इस साइड एक मोल, बाकी तो सॉलिड है, तो दोनों साइड गैस के मोल बराबर है. दैट मीन्स फॉर फर्स्ट रिएक्शन डेल्टा एस इज जीरो. डेल्टा जीरो में ये पूरी टर्म निकल गई, टेम्परेचर वाली टर्म ही निकल गई. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज डेल्टा एच हैज नो इफेक्ट. ठीक है, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच, इसलिए ये ग्राफ रहा स्ट्रेट. समझे. अब बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं, सेकेंड इसको मान लेते हैं. सेकेंड क्या हो रहा है, इट गोज अप, ऊपर जा रहा है. अब ऊपर जा रहा है, ऊपर इसको जाने दो, पर क्यों जा रहा है वो देखते हैं हम, कि डेल्टा एस कितना है, बोलो इसका डेल्टा एस. डेल्टा एस वन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव. आप ये बोलो, वो जो आप बोल रहे हो वन, दैट इज डेल्टा एन जी. दो गैस इधर है, इधर एक ही गैस है, इधर एक गैस, दो गैस, दो प्लस एक एडिशन सीख लो पहले. टू प्लस वन, थ्री गैस रिएक्टेंट साइड है और टू गैस प्रोडक्ट साइड. सो दैट मीन्स ओवरऑल गैशियस मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. गैशियस मोल डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव. डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव. अब डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा किसी केस के लिए, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. दैट मींस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा जी भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी. दैट मींस इसका डेल्टा जी एक्चुअली नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, कम. नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा.
क्योंकि ऊपर जो है डेल्टा जी क्या है लेस नेगेटिव और नीचे मोर नेगेटिव, समझे, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ इस ग्राफ पे, इस ग्राफ को देखो आप, नीचे जा रहा है, इसका डेल्टा एस क्या होगा आप ऐसे ही बता सकते हो, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, बट कैसे पता चला, इधर एक गैस है इधर दो गैस, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, और डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव अगर होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, कि नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा, ये तो नेगेटिव ही था, तो नेगेटिव वैल्यू और आएगी, ऐड हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे, ये क्लियर हो गए, मतलब ग्राफ ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है, सीधा क्यों रहता है, वो आपको समझ आ गया, वो किस पे डिपेंड करता है, अगर इसकी के लिए डेल्टा जीरो है तो ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और अगर डेल्टा एस होता है नेगेटिव तो ग्राफ जाता है अपसाइड, और डेल्टा एस होता है पॉजिटिव तो ग्राफ जाता है डाउनस्लोप। ठीक है, अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, द रिडक्शन ऑफ सी आर टू ओ थ्री विद एल्यूमिनियम इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। अब एल्यूमिनियम का ग्राफ देख लो, एल्यूमिनियम यहां पर होता है और मैग्नीशियम का ग्राफ उससे नीचे होगा, अगर एल्यूमिनियम डायग्राम देखोगे आप तो आपको दिखेगा ऐसा है, पहले इसी को एक्सप्लेन करो कि यहां आके ऐसा क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, देखो ये है Mg सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव MgO सॉलिड, MgO सॉलिड जो है दो मोल बनेंगे 2 Mg के, इधर Al2O3 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव Al2O3 सॉलिड, O2 एक रखना है, एक O2 एक रखना है तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई 3, तो ये 4 बाई 3। अब दोनों ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं, समझे क्यों, क्योंकि इसमें इधर सॉलिड है, गैस कंज्यूम हो रही है, इधर एक गैस है, इधर भी एक गैस है, डेल्टा एस क्या हो, नेगेटिव, जितने भी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है उन सबके ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं। अब एल्यूमिनियम डायग्राम बुक में देख लेना, ठीक है, जैसे आयरन का है, आयरन का ऐसे होता है, यही पे ये टच करता है ऐसे, Fe सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव FeO सॉलिड, तो इसमें भी देख लो डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव डेल्टा एस, नेगेटिव डेल्टा एस, नेगेटिव, पर हाँ मैं बताने जा रहा था कि ये ऊपर क्यों गया, एक्चुअली ये जो है दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, लिक्विड, लिक्विड, तो रिएक्टेंट की एंट्रोपी और बढ़ गई, डेल्टा एस बिकम मोर नेगेटिव, अगर डेल्टा एस बिकम मोर नेगेटिव तो इट गोस अप, ठीक है। अब देखो ये जो टेम्परेचर है ये है 1623 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, अब इस टेम्परेचर से हमें क्लियर होता है कि हम अब ये जो ग्राफ है ना इससे हम एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्चुअली एलिंगम डायग्राम जो है आराम से बैठ गया, एलिंगम डायग्राम जो है उसके लिए जैसे इसका ग्राफ है ये जिंक का जो ग्राफ है ना वो ऐसे जाता है ऊपर, ये यहां 1270 केल्विन पे जो है इसको टच करता है, ठीक है, ये जो है 983 केल्विन पे इसको टच करता है ना, तो ये जो टेम्परेचर्स हैं आपको
पॉइंट जो है वो याद रखना, यहाँ इसको ए लिख लो आप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसको ए मान लो, है ना। अब आप देखो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इस पॉइंट से पहले बात करें तो मैग्नीशियम वाला ग्राफ क्या है, बिलो, एल्युमिनियम वाला ग्राफ अप। इसका मतलब इसके लिए जो मैग्नीशियम वाला ग्राफ है उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और इसके लिए क्या होगा, लेस नेगेटिव, लेस। ठीक है, अब डेल्टा जी मोर नेगेटिव मींस मोर स्पॉन्टेनियस, मोर स्पॉन्टेनियस, दैट मीन इस पॉइंट से पीछे, मान लिया ए पॉइंट ले लिया, बिलो ए पॉइंट, ये कह देता हूं बिलो ए पॉइंट, बताओ कौन सा ग्राफ फॉरवर्ड जाएगा, अगर दोनों को हम कपल करें दैट इज कॉल्ड कपलिंग रेशियो, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों को हमने कपलिंग कर दी, ठीक है, अगर कपलिंग कर देते हैं तो कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, Mg वाला फॉरवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी मोर नेगेटिव है और ये बैकवर्ड आएगा, दैट मीन्स बिलो ए पॉइंट मैग्नीशियम जो है इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, मैग्नीशियम वाला रिएक्शन फॉरवर्ड और एल्युमिनियम वाला रिएक्शन बैकवर्ड, उनको ऐड कर देंगे, इसका लिए मैंने डेल्टा जी नॉट है माइनस एक्स, इसके लिए डेल्टा जी नॉट है माइनस वाई, एंड यू नो बिलो ए एक्स जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज मोर देन वाई, अच्छा दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू एम जी सॉलिड प्लस टू बाई थ्री एल्यूमिना सॉलिड टू गिव टू एम जी ओ सॉलिड प्लस फोर बाई थ्री एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, ये देखो इसको हमने रिवर्स किया ना तो ये वैल्यू क्या जाएगी, प्लस मीन माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, सो ओवरऑल क्या रहेगा, ये नेगेटिव, दैट मीन दिस रिएक्शन इज फिजिबल बिलो 623 केल्विन, बट एक क्वेश्चन दिया रखा था हमने इसमें कि ये वाला कि ऑल्दो थर्मोडायनामिकली फिजिबल इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर क्या होगा, दो इट इज फिजिबल थर्मोडायनामिकली बिकॉज मैग्नीशियम ग्राफ इज बिलो एल्यूमिना बट मैग्नीशियम इज कॉस्टलियर देन एल्युमिनियम, सो दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल, इकोनॉमिकली दिस प्रोसेस इज नॉट फीजिबल, राइट, सो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इजियर इफ मेटल फॉर्म इज इन द लिक्विड स्टेट, देखो अब हम यहां बात करें अगर मैग्नीशियम जैसी लिक्विड स्टेट में बनी, अगर ये लिक्विड नहीं बनती यहां पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तो ये ग्राफ सीधा जाता, तो कभी इसके ऊपर जाता है नहीं, नहीं, बट जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब है अब अबव ए क्या हो, बिलो ए पॉइंट तो ये था, अबव ए क्या हो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन सीधी जाएगी, हाँ, अब एल्यूमिनियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन एमजीओ, समझे ना, अब एल्यूमिनियम जो है दैट कैन रिड्यूस एमजीओ, तो क्या बना देगा, Al2O3 और एमजी, समझे, दो एमजी लिक्विड स्टेट में बनेगा,
और यहाँ एल्यूमिनियम क्या है सॉलिड, MgO भी क्या है सॉलिड, Al2O3 भी क्या है सॉलिड, बट Mg क्या है लिक्विड। अब इस रिएक्शन की बात करो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इस रिएक्शन के डेल्टा S क्या हुआ बताओ, पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव? इस रिएक्शन के डेल्टा S क्या है बेटा? पॉजिटिव। देखो ये दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, मतलब प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी ज्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट में बना, ठीक है? एक मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट तो इजियर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा एस क्या हो जाता है पॉजिटिव, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो क्या फेवर करेगा कि डेल्टा जी करेगी मोर नेगेटिव, फेवर करेगा डेल्टा जी को मोर नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज मोर फिजिबल और इट इज इजियर because delta G becomes more. Because increase in entropy favors the reaction, decrease in energy and increase in entropy favors the reaction. समझे? तो ये reaction हो गया अपना, ठीक है? Yes sir. Then come to state a condition under which magnesium could reduce alumina. तो वो हमने करेंगे कि below 623 Kelvin magnesium can easily reduce alumina. But जो process है that is uneconomical because magnesium is costlier than alumina. ठीक है? अब आ जाओ आप ये बताओ out of carbon and carbon monoxide which is a better reducing agent? कभी ये question आ जाता है कि which is better reducing agent for FeO या फिर ZnO? अगर question FeO के लिए आता है तो देख लो FeO का ग्राफ ये है, ये पॉइंट जो है इससे अगर बिलो होगा तो कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्राफ नीचे है तो बिलो दिस पॉइंट CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो सेफ साइड के लिए हम क्या करते हैं क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यहां डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, हम ले लेते हैं बिलो, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ऐसा टेम्परेचर लेते हैं ना जो कि मच बिलो, तो बिलो 1073 केल्विन या बिलो सॉरी दिस टेम्परेचर हम क्या करते हैं बोलते हैं कि CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, CO मीन एट लो टेम्परेचर, यू कैन राइट at low temperature CO is a better reducing agent and above at low temperature, yes, and above certain temperature means at high temperature kya hoga bro? हाई टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? देखो ये जो ग्राफ है वो आएगा नीचे आ गया, CO से नीचे आ गया, अब कार्बन और कार्बन दोनों कार्बन ही, तो एट हाई टेम्परेचर कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो लो टेम्परेचर पे CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और हाई टेम्परेचर पे कार्बन, जो ग्राफ बिलो होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? सेम अगर आप ZnO का करोगे 1270, ठीक है? तो इससे बिलो होगा, अब देखो इस रिएक्शन में CO तो हमेशा ऊपर ही रहा, तो CO कैन नेवर बी यूज्ड, ये किसके लिए केस हुआ? FeO के लिए, बट ZnO के लिए वी कैन नेवर यूज CO, CO कैनॉट बी यूज, ठीक है? अब लिखोगे CO कैनॉट बी यूज टू रिड्यूस ZnO, राइट? जिंक कैनॉट बी ओके, बट अगर इस टेम्परेचर से
बाकी तो ऊपर ही थे, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1180 1270 ठीक है, ये वाला टेम्परेचर और इस टेम्परेचर पे, इन टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाएगा एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कार्बन कैन रिड्यूस ZnO, सो ओनली कार्बन कैन बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO, CO cannot be used. आप लिखोगे कि ग्राफ ऑफ CO इज ऑलवेज अबव दिस ग्राफ, सो CO cannot be used, बट कार्बन कैन बी यूज एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर है यहां तक तो सारे ऊपर है, कभी भी नहीं यूज होगा, समझे? तो दैट्स ऑल अबाउट एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो बुक में दिया हुआ, वो भी मैं आपको कवर कर ही देता हूं ताकि पूरी एलिंगम डायग्राम हो ही जाए। उसमें है कि Cr2O3 जो है, Cr2O3 का जो डेल्टा जी नॉट एफ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 वो है -540 किलो जूल पर मोल, वैल्यू देख लेना आप कंफर्म कर लेना। और एल्यूमिना जो है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है -873 किलो जूल पर मोल, तो जो भी बुक पर दी होगी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ गई, इसका लिख लो क्या रिएक्शन बनेगा, Cr सॉलिड O2 गैस टू गिव Cr2O3 सॉलिड, कितना आ जाएगा, सेम 2/3 4/3 और डेल्टा जी नॉट एफ आ गया अपना -540। और दूसरा 4/3 एल्यूमिनियम सॉलिड O2 गैस तो गिव 2/3 Cr2O3 सॉलिड, और इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -873 किलो जूल पर, ठीक है। अब ये दो वैल्यू दिए हैं, अब पूछा है कि किस टेम्परेचर, सॉरी दो एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू रिड्यूस Cr2O3, एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस Cr2O3 और नॉट, द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप कि अच्छा ऐसे एक क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है इस थर्मोडायनामिक ले फिजिबल, ठीक है, बट डज नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर, बट ये तो मेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि जिसके लिए डेल्टा जी नॉट मोर नेगेटिव है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, और जिसके लिए लेस नेगेटिव है वो बैकवर्ड जाए, क्योंकि दोनों को कपल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और ये अपना आ जाएगा 2/3 Cr2O3 सॉलिड तो गिव 4/3 Cr प्लस O2 गैस, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आ जाएगा 2/3 Cr2O3 प्लस 4/3 एल्यूमिनियम टू गिव 2/3 एल्यूमिना प्लस 4/3 Cr, डेल्टा जी नॉट एफ कर देगा -873 प्लस 540, दैट मींस वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मींस दिस प्रोसेस इज फिजिबल, ठीक है, बट इट डज नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर, इसका क्या आंसर होगा कि ये इसे ये तो रिएक्शन है, ये तो मैंने मैथमेटिकली बता दिया आपको, बट इसका अगर हम बोलेंगे रिएक्शन में हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर, क्योंकि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वी नीड हायर टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो हमें एक एक्सटेंड तक नेगेटिव चाहिए, मोर नेगेटिव वैल्यू, डिफरेंस इज शुड बी मोर, ठीक है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगा देंगे, क्योंकि उसने बोला कि
रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं होता, ठीक है? तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाता, क्लियर? बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन. सो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सारे क्या है एक्चुअली, सॉलिड ऑल द मीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर सॉलिड. तो ये रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, समझे? बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे लिखा ना, वो एक रीजन और दे सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर क्रोमियम मेल्ट्स. इफ क्रोमियम मेल्ट्स देन डेल्टा एस बिकम पॉजिटिव, सो टी डेल्टा एस पॉजिटिव, हाई टेम्परेचर पे हाई हो जाएगा, तो डेल्टा जी जो है और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा. ये वाला पार्ट, सो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव, so reaction takes place, or at high temperature where koi rate of reaction is fast. So dono reason are this. Thank you very much for watching this video. Do like, share, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification of my next video. Keep watching, keep learning chemistry. Thank you.